आप जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो चलेगा, लेकिन दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना, पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो दुनिया में आपको लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके तुम्हारी दुनिया में आई है। माँ के लिए तो भगवान ने ये कहा है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। चार बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन चार बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। उसका भी बंटवारा हो जाता, बोले तीन महीने तेरे पास, तीन महीने तेरे पास, और तीन तीन महीने तुम दोनों के पास। जब हम और आप छोटे थे ना, छोटे, तब कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब बड़े हो गए ना तब धक्का मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रख सकता, बूढ़े माँ बाप है, बुजुर्गों। अगर जवान पिता घर में है और बच्चा ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, तुम चुपचाप बैठे रहो, तो एक जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है। इतने उल्टे शब्द सुन के, और पिता बूढ़ा है और बच्चा ये बोल दे कि आप ही जानो कैसे क्या करना है, आप जब तक हाँ नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, तो याद रखना एक बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। आप जानते हैं जो बेटे घर में रहते हैं जिनकी शादियां नहीं होती, शादी से पहले कभी आपके बच्चों ने आपसे कहा है कि हमें अलग होना है? आप बताइए, लड़का जब जब कुआरा हो, जैसे शादी ना हो, तो लड़का बोलता कि हमें आपसे अलग रहना है? नहीं बोलता, लेकिन जैसी शादी भाई वैसे ही बोलते हैं हमें अलग रहना, बस अलग कर दो। आपको पता ही, होने की गलती नहीं है, बेटों की गलती नहीं है, गलती उनकी है, और उनकी भी नहीं, वो तो सीधे सीधे आते ही आते यही चाहती है कि तुमने मेरे माँ बाप से मुझे अलग कर दिया, तो तुम अपने माँ बाप के साथ कैसे रह सकते हो, तुम भी अलग ही हो जाओ, जब मुझे सुकून में मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहने दिया तो तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। एक बच्चा अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है, और जब वो माँ मरने वाली होती है तो अपने बच्चे को बुलाती है और कहती है लाला हमें तुझसे 5 मिनट बात करनी है। बच्चा पहुंचा, माँ ने बच्चे के सर पे हाथ फेरा, बोले लाला अब मैं तो मरने वाली हूं, बहुत से बहुत एक दो दिन और मर जाऊंगी, तू एक छोटा सा मेरा काम कर दे, अंतिम इच्छा है। क्या? जिस कमरे में तूने मुझे रखा था उस कमरे में पंखा नहीं है, बहुत गर्मी है, यहां पंखा लगवा दे। बच्चा माँ का चेहरा देख के बोला, माँ अब तू मरने वाली है तो यहां पंखे की क्या जरूरत है, तू मर जाएगी अब क्या करना। तो वो माँ हिचकी लेके आंखों में आंसू भर के बच्चे के सर पे हाथ रख के बोली, बेटा मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन जब तेरे बच्चे कल तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। मैंने तो गर्मी झेल ली, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ गर्मी में नहीं रह पाएगा, कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो तू पहले से ही पंखा लगवा दे, मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। माँ बाप वो है, आप मथुरा वृंदावन
वर्षाने दाऊ जी गोकुल श्रीडी वैष्णो देवी हरिद्वार सब जगह घूम के आना। लेकिन अगर माँ बाप घर में तसल्ली से नहीं सुकून में नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। महाराज भगवान के लिए जब द्रौपदी रोई है और एक बात कही है बिहारी कहां जा छुपे ओ, उसमें एक बच्चा आपका भी है तो आप प्रसन्न हुए खुश हुए आपने सबको चॉकलेट बिस्किट प्रसाद दिया। लेकिन जब वे दस के दस उदम करें और जब शैतानी कर रहे हो तो आप हाथ किस पे उठाएंगे जो उसमें अपना होगा। आपका हक नहीं है कि आप उनमें दस जो है उन पे भी हाथ उठा लें। आप अपने वाले पे हाथ उठा सकते हैं। ऐसे ही कन्हैया ये कहते हैं कि मैं सुख तो हर किसी को दे सकता हूँ लेकिन दुख और तकलीफ मैं उसे देता हूँ जिसे मैं अपना मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये दुख और कष्ट झेल लेगा। आप गलती पे गलती करते जाइए भगवान नहीं बोलते। लोग कहते हैं कि अगर चोरी करो या गलत काम करो तो क्या भगवान कुछ कहेंगे? वो तो मरने के बाद कौन देखता है। जब बच्चे पेपर देने जाएं एग्जाम तो चाहे गलत लिखे चाहे सही लिखे मास्टर देखता है लेकिन बताता नहीं है। तब नहीं बताता कि ये सही है या गलत है। बाद में डिसीजन लेता है कि ये कौन सा गलत है कौन सा सही है। ऐसे ही भगवान आप गलत पे गलत करते जाइए जो भी करना है वो बाद में ही हिसाब करेगा कि क्या क्या करके आए हो। यहां आवाज लगा रही दोनों हाथ उठा के मैया द्रौपदी के गोविंद एक बात सुनो आरे कौरव दल में गिरी अकेली गोविंद कौरव दल में गिरी अकेली ओ मेरी आसी है जाएगी ओए प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी करवाओ मोए दासी ले बनाए मगर नंगी मत करवाओ जमे दो सुखाए मेरो अरे एक दिन दुश्मन करवाए देंगे हस्तनापुर को फेरो Thank you.
छट जाएगी। हे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। बराबर आवाज लगा रही बहना, महाराज दूसरा संसारी को खींच रहा है।